बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के 08 वर्सेस पोको X3 के बारे में। अब दोनों डिवाइसेस सेम स्पेस के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन सेम प्राइस टैग में लॉन्च हुई हैं। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेडमी के शामिया के पोको X3 के साथ क्या क्या कंपैरिजन 08 के बनता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो आपको ये जो 08 है ये 205 ग्राम का मिलता है, जबकि ये जो मोबाइल फ़ोन है X3 पोको का 215 ग्राम का है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदर देन दैट यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले और प्रोसेसर वाइज। यहाँ पे प्रोसेसर में मीडियाटेक हेलियो G90T 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जबकि पोको में स्नैपड्रैगन 732G 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको Mali-G 67 MC4 देखने को मिला है, जबकि पोको में एंड्रीनो 618 GPU देखने को मिला है। अदर देन दैट मैं आपको जो रिकमेंडेशन करूँगा, चिपसेट यहाँ पे स्नैपड्रैगन 732 ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे भी आपको सेम आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पे कॉर्निंग ग्रिल ग्लास 5 है, लेकिन इन्फिनिक्स ने कहीं मेंशन नहीं किया कि उनके पास कॉर्निंग ग्रिल ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, 2180 हर्ट्ज़ का टच रेट, जबकि पोको में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। दोनों में फुल LED प्लस डिस्प्ले है, 6.85 इंचेस का यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको इन्फिनिक्स, और 6.67 इंचेस का पोको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं पोको के, 64GB 6GB 128GB 6GB UFS 2.1 की सपोर्ट के साथ, जबकि पाकिस्तानी मार्केट में इन्फिनिक्स का 128GB 8GB का एक ही वेरिएंट है। सेम कैमरा बैक पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, टोटली सेम है, सेम सेंसर है, लेकिन फ्रंट में यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दे रहा है, जबकि पोको आपको 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी डिफरेंस लगी है। अदर देन दैट यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के मतलब। बैटरी की जो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स 4500mAh की बैटरी 33W की फास्ट चार्जिंग में दे रहा है, जबकि पोको आपको 5160mAh की बैटरी भी 33W फास्ट चार्जिंग दे रहा है। तो दोनों की सेम फास्ट चार्जिंग, लेकिन बैटरी में भी फ़र्क है। अब मेरे ओपिनियन के मुताबिक जिस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको जाना चाहिए वो है पोको X3। यहाँ पे क्लियर है कि पोको X3 इज़ अ विनर बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इन्फिनिक्स एक लोकल ब्रांड है और पोको रेडमी या शाओमी आप जिसे कह सकते हैं सेम चीज़ है। ये चीज़ एक ब्रांडेड है और इसकी रीसेल वैल्यू भी है। अब मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 4000 रुपये में पोको को छोड़कर अगर आपके पास कोई और डिवाइस इस सेक्शन में ना होती तो बिल्कुल 08 करता रिकमेंड, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन्फिनिक्स रिकमेंड नहीं करूँगा, जबकि पोको X3 आपको रिकमेंड करूँगा। होप तो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आप तक हर वीडियो पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं नई ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।